Good morning, students. How are you? I hope you all are doing great. So, in the previous class, we have studied that Great Harappan civilization. Okay, it ended began to end around 3,900 years ago. 3,900 years ago. Harappan civilization kab maya tha? 3,900 years ago. पहले वो क्या एडवांस हो गया था. ओके सो वहाँ पर उसके बाद कौन आए हमारा इंडिया में उसके बाद कौन आए. ओके उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके सो उसके बाद हमारा क्या आए थे आर्यंस आए थे. कौन आए थे आर्य आते हैं आर्यंस आए थे जो हमारा जितना ब्राह्मण जो पूजा जितना होता है यज्ञ वगैरह होता है. ओके यज्ञ वगैरह होता है ये सब कहाँ पे होता है ये आर्यन आके हमारा इंडिया में शुरू किए. कौन आके आर्यन एक ब्राह्मण जैसा पूजा पद्धति जितना भी हमारा ये और रोग साम जजुर अथर्व इसके बारे में वेद जो आया यहाँ पे वैदिक पीरियड आया. ओके यहाँ पे वो शुरू कर दिए वैदिक पीरियड. क्या कर दिए वैदिक पीरियड स्टार्टेड कर दिए क्या वैदिक पीरियड. ओके सो कैसे आए थे आर्यन थोड़ा हम डिस्कशन कर देते हैं. Most of historians believe that the Aryans were the semi-nomadic, personal but cultural race of people. They lived in Central Asia. So first, कहाँ पे वो रहते थे? Central Asia में रहते थे. कहाँ पे? Central Asia में. Asia का जो Central में रहते थे. So one group later known as the Indo-Aryans. वहाँ से एक group का नाम था Indo-Aryan. Indo-Aryans. वहाँ से ग्रुप का नाम था Indo-Aryans. Broke away from the main stock of Indo-Europeans in Central Asia and moved eastward and reached the Indian subcontinent. वो धीरे धीरे क्या आए कि वो ईस्ट में आए. ईस्ट में धीरे धीरे चले यहाँ से सेंट्रल एशिया से वो ईस्ट में चले धीरे धीरे. ओके आके कहाँ पे पहुंच गए इंडिया सबकॉन्टिनेंट में पहुंचे. कहाँ पे पहुंचे इंडिया सबकॉन्टिनेंट में पहुंच गए. पहले सेंट्रल एशिया में रहते थे ओ उसको बोलते थे इंडो आर्यन. वे धीरे धीरे ईस्ट के तरफ आए ईस्ट के तरफ आके इंडिया में पहुंच गए. ओके और क्या है धीरे धीरे क्या जो प्रोबेबली एज द पॉपुलेशन ऑफ इंडो यूरोपियंस इंक्रीज और क्या है कि सेंट्रल एशिया का जो इंडो यूरोपियंस थे भी इंडो यूरोपियंस थे भी वो धीरे धीरे इंडिया के तरफ आगे धीरे धीरे इंडो यूरोपियन का जो इंक्रीज हो गया वो धीरे धीरे इंडो यूरोपियन. ओके इसका धीरे धीरे जो पॉपुलेशन बढ़ गया और धीरे धीरे ये भी इंडिया के तरफ आगे और उसका नाम आर्य हो गया. ओके इट्स ऑल्सो लाइक द दिस आर्य हेल्प अस देयर वाली ड्यू फ्रॉम दिस ड्रॉट. और क्या है यहाँ पे बहुत सारा डिजीज और ड्रॉट आया इंडो यूरोप में इसलिए वो इंडिया में आ गए. क्यों आए इसका ये रीजन है. दिस आजमेर संपूर्ण बाई द फैक्ट द सर्टन वर्ड द टर्म ऑफ कॉमन बोथ द यूरोपियन लैंग्वेज एंड इंडो आर्यन लैंग्वेज संस्कृत. तो इंडो जो आर्यन है ये जो इंडो आर्यन है उसका लैंग्वेज क्या था संस्कृत. वो संस्कृत में सब लिखे. ओके संस्कृत यहाँ से आके फिर हमारा इंडिया में संस्कृत प्रचलित हो गया. ओके संस्कृत आके प्रचलित हो गया. ओके तो ये था हमारा क्या कैसे वो आए कहाँ से आए इसके बारे में यहाँ पे हम पढ़े ओके तो नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या संस्कृत के बारे में थोड़ा पढ़ना है. Sanskrit is considered to be part of Indo-European family. Sanskrit किसका था? Indo-European family का Sanskrit language था. This family include Indian language like Sanskrit, Hindi, Gujarati, Kashmir, Sindhi. यहाँ पे क्या क्या जो Indo-European family का क्या क्या language था? Hindi, Gujarati, Kashmir ये सब था. Okay? ये सब था. मैं थोड़ा लिख देता हूँ. Okay? Indo-European family. इंडो यूरोपियन फैमिली का लैंग्वेज था संस्कृत हिंदी
देन गुजराती, देन सिंधी, बहुत सारा था। ओके यूरोपियन लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पैनिश। ओके यूरोपियन लैंग्वेज और बोलता था इंग्लिश, फ्रेंच, ये भी ये जो इंडो यूरोपियन में इंग्लिश, फ्रेंच, देन इटालियन, इटालियन ये सब था। ओके देन द्राविडियन फैमिली, द्राविडियन और फैमिली थे। क्या था द्राविडियन फैमिली का? तमिल, तेलुगु, तेलुगु, कन्नड़ा, ये सब कहाँ पे था? द्राविडियन फैमिली में ये सब था, द्राविडियन फैमिली में ये सब था। ओके सो इसको याद करना। ओके सब पढ़ेंगे आज वैदिक पीरियड के बारे में। क्या वैदिक, जनरली चैप्टर में क्या है? वैदिक पीरियड के बारे में दिया गया है, वैदिक पीरियड्स के बारे में दिया गया है। सो वैदिक पीरियड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके टू पार्ट्स, वन इज अर्ली वैदिक पीरियड, सेकेंड इज लैटर वैदिक पीरियड। ओके अर्ली वैदिक पीरियड, लैटर वैदिक पीरियड। ओके अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड बिटवीन 15,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी, वन थाउजेंड बीसी। ओके 1500 बीसी से 100 बीसी। देन लैटर वैदिक पीरियड 100 बीसी से 100 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ओके 1000 बीसी से 600 बीसी तक, ये 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। ओके 1000 बीसी तक। तो ये था हमारा क्या, जो अर्ली वैदिक पीरियड एंड लैटर वैदिक पीरियड, लैटर वैदिक पीरियड। सो अर्ली वैदिक पीरियड कहां से आया था? ऋग्वेद से। तो इसको बोलते हैं ऋग्वेदिक पीरियड भी बोलते हैं, ऋग्वेद से है इसलिए ऋग्वेदिक पीरियड भी, उसका दूसरा नाम ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड। ओके सो ये तुम हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे अर्ली वैदिक पीरियड, लैटर वैदिक पीरियड के बारे में डिटेल्स में। ओके सो द मेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड आर यजुर्वेद, यजुर्वेद ये मेन इंफॉर्मेशन कहाँ से आया? ऋग्वेद से। और लैटर वैदिक पीरियड के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ से आया? यजुर्वेद। क्या यजुर्वेद? ओके यजुर्वेद। ओके सो वेद डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, वेद डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, राग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, अथर्ववेद। चार टाइप का वेद है, टू थ्री फोर, चार टाइप का वेद है। ओके सो ये वेद यजुर्वेद से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लैटर वैदिक के बारे में आया, और अर्ली वैदिक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन ऋग्वेद से आया, ऋग्वेद से आया। ओके सो देयर आर फोर वेद्स, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ओके सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद।
ओके ये है वेद। ओके सो फर्स्ट ऋग्वेद के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके ऋग्वेद इसके बारे में ऋग्वेद ऋग्वेद इज कलेक्टेड ऑफ प्रयाग सॉन्ग इन ऑनर्स ऑफ द हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस। तो ऋग्वेद में ज्यादा क्या है प्रयास है जो वर्शिप करते हैं हमारे हिंदू गॉड को वर्शिप जब आप यज्ञ करते हैं यज्ञ में डिफरेंट टाइप का क्या पढ़ते हैं हम प्रयास करते हैं डिफरेंट टाइप का प्रयास करते हैं वो कहाँ पे है ऋग्वेद में है। कहाँ पे है ऋग्वेद में है। एमंग द गॉड देयर इज प्रोमिटेड इंद्र द गॉड फॉर अनरेस्ट। तो किसके बारे में एक गॉड है इंद्र नाम सुना होगा इंद्र। ओके क्या है गॉड ये स्ट्रॉन्ग गॉड है। ये क्या है स्ट्रॉन्ग गॉड ऑफ वार एंड रेन। ये क्या है गॉड ऑफ वार एंड रेन गॉड ऑफ वार एंड रेन गॉड ऑफ वार एंड रेन इसका है इंद्र है। उसका राजा कौन है इंद्र। अग्नि अग्नि क्या है फायर गॉड ऑफ फायर। ओके अग्नि क्या है गॉड ऑफ फायर। ओके एंड सोमो ए प्लांट फ्रॉम व्हिच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। सोमो और क्या सोमो ट्री जहां से स्पेशल क्या है एक स्पेशल ड्रिंक तैयार होते ड्रिंक करते लोग। ओके दारू जैसा। ओके सोम ट्री स्पेशल ड्रिंक उसको भी वो पूजा कर रहे थे। ऋग्वेद के बारे में इसे पढ़ा गया है। ओके सो ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलम्स। तो ऋग्वेद में मंडलम कितना है 10 मंडलम 10 मंडलम एंड हेम्स कितना है हाइम्स हाइम्स है 1028 सो मंडलम कितना हाउ मेनी मंडलम इन ऋग्वेद 10 मंडलम एंड हाइम्स कितना है 1028 मंडलम को बोलते हैं भैलम्स भी। क्या है मंडलम का दूसरा नाम है भैलम्स। ओके मंडलम का दूसरा नाम है भैलम्स मंडलम बोल पाओगे या भैलम भी बोलता है। हाइम्स कितना है 1028 ये था ऋग्वेद में मैंने सो ऋग्वेद हाइलाइटेड सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलीजियस कंडीशन ऑफ दिस पीरियड। और क्या है ऋग्वेद हाइलाइटेड ऋग्वेद से हमें क्या क्या पता चलता है हमारा सोशल इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम का सोशल कंडीशन क्या था उस टाइम का इकोनॉमिक कंडीशन क्या था उस टाइम का जो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन क्या था उसके बारे में कहाँ से पता चलता है ऋग्वेद। कहाँ से पता चलता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में पता चल गया या नहीं पता चला तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे किसके बारे में सामवेद। दो में क्या आया सामवेद। ओके सामवेद के बारे में हम आज अभी पढ़ेंगे। ओके सो सामवेद इज द कलेक्टेड ऑफ सॉन्ग मोस्टली टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद। तो सामवेद क्या है सामवेद इज ए कलेक्टेड ऑफ सॉन्ग। तो ये ऋग्वेद से सॉन्ग को कलेक्ट करके कहाँ पे गाते थे ये सामवेद में। तो सामवेद में ऋग्वेद से कलेक्ट करके सॉन्ग को लिखा गया था सामवेद में। कहाँ पे लिखा गया है सामवेद में। देन यजुर्वेद इज कलेक्टेड ऑफ सैक्रिफाइस फॉर्मूलास व्हेयरएज अथर्ववेद इज कलेक्टेड। तो ये क्या है यजुर्वेद यजुर्वेद का क्या जो क्या है यजुर्वेद में क्या मिलता है तीन में जो यजुर्वेद है यजुर्वेद से क्या है कैसे पूजा करना चाहिए पूजा का विधि क्या है उसका और रूल्स वहां पे लिखा गया है। ओके और अथर्ववेद में क्या भूत प्रेत के बारे में अथर्ववेद से मिलता है जो जादू तंत्र शास्त्र ओके तंत्र शास्त्र जादू और क्या है भूत पिशाच। ओके उसके बारे में हम कहां से मिलता है अथर्ववेद जो चार में आया अथर्ववेद से ये सब मिलता है। इविल्स ओके क्या इविल स्पिरिट के बारे में हम पढ़ते हैं स्पिरिट इविल्स
स्पिरिट के बारे में, भूत प्रेत के बारे में हम पढ़ते हैं कहाँ पे, अथर्ववेद से। तो चारों वेद क्या है पता चल गया, तुम लिखवाओगे राइट है शॉर्ट नोट्स ऑन वेद, लिख पाओगे ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, डिस्क्राइब कर पाओगे, ओके डिस्क्राइब कर पाओगे, ठीक है। सो पता चल गया क्या है, ओके स्टूडेंट्स, सो देन डिस्कस सोशल लाइफ, क्या है सोशल लाइफ के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, ओके। जैसे हमारा हरपाल सिंह ग्रेजुएशन में सोशल लाइफ के बारे में डिस्कशन किए, उन्ना में उसका क्या रिलीजियंस क्या उसके बारे में हम डिस्कशन किए, अभी डिस्कशन करेंगे सोशल लाइफ के बारे में। सो सोशल लाइफ में क्या पहले आता है, फैमिली आता है, क्या आता है फैमिली फादर आता है, क्या आता है फास्ट फैमिली, तो ऋग वैदिक पीरियड हैज जॉइंट फैमिली, तो ये ऋग वैदिक पीरियड में क्या था जॉइंट फैमिली था, ओके सब एक साथ रहते थे जॉइंट फैमिली, तो ऋग वेद हैड जॉइंट फैमिली, ऋग वेद हैड जॉइंट फैमिली, इट वाज हेडेड बाय द सीनियर मोस्ट मेल नंबर ऑफ फैमिली कॉल्ड ग्रहपति, तो जो मेल है सबसे सीनियर मेल है, ओके सबसे सीनियर जो मेल है वो क्या है हेड है, वो परिवार का हेड है, उसको क्या बोलते थे ग्रहपति, क्या है ग्रहपति बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रहपति, ग्रहपति सॉरी ग्रहपति बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रहपति। सो द ग्रहपति मेड ऑल डिसीजन व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, तो ये ग्रहपति सब डिसीजन घर का लेते हैं और उसको और सब जो मेंबर है उसको ओबे करते हैं, मानते हैं, पालते हैं, ओके दे ओबे ऑल द रूल्स ऑफ सीनियर मेल दैट ग्रहपति, ओके। देन ओमेन, ओमेन क्या था उस टाइम में, अभी क्या है ओमेन का इतना पावर नहीं है, अभी था क्या लेकिन क्या है ज्यादा पावर नहीं मिला था अभी जो मॉडर्न पीरियड में, लेकिन अभी दिखते हैं ऋग वैदिक पीरियड में क्या था, ये सब नारी का क्या सम्मान था, ओके द ऋग वैदिक ओमेन हैड ग्रेट रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, सोसाइटी में ये ओमेन को एक अच्छा एक ग्रेट रेस्पेक्ट मिला था, मिल रहा था, ओके ग्रेट रेस्पेक्ट, यहाँ तक सिर्फ रिस्पेक्ट मिला, ओके हरपाल में मिला था, ये सब ऋग वैदिक पीरियड में मिला था, लेकिन लैटर ऑन जो भी हमारा टाइम आया मीडियवल पीरियड मॉडर्न पीरियड सब पीरियड में जो ओमेन को इतना रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, उसका राइट्स नीचे हो रहा था, अधिकार कुछ नहीं था, जो पुरुष जो कहता था उसको मानने के लिए वो बाउंड है, अभी देखो तुम्हारा पापा जो बोलते तुम्हारा मम्मी मानने के लिए बाउंड है नहीं है, तो ऐसे, लेकिन ये ओमेन पूरा स्वतंत्र थे, ये जो वैदिक पीरियड में पूरा ये जो ओमेन पूरा स्वतंत्र थे, ओके ऋग वैदिक ओमेन एंड ग्रेट रेस्पेक्ट नो रिलीजन सेरेमनी कुड बी परफॉर्म, तो सो क्या है कि कोई भी धार्मिक जो परफॉर्मेंस हो रहा था, धार्मिक का जो ज्यादा यज्ञ वगैरह जहाँ पे हो रहा था वहां के नारी के बिना कुछ नहीं हो पा रहा था, ओमेन्स मेन के साथ चाहिए, ओमेन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, जैसे कि देखो तुम सीता जब राम छोड़ दिए थे सीता को, जब अश्वमेध यज्ञ हुआ अश्वमेध यज्ञ में सीता नहीं थे तो एक पुतला बनाया नहीं ये जो राम साइड में बैठा के उसका सीता का, नहीं तो यज्ञ नहीं हो पाएगा, ये रूल्स है वैदिक पीरियड का रूल्स है ये, ओके। तो नारी सबसे इम्पोर्टेंट थे, नारी सबसे इम्पोर्टेंट थे कौन वैदिक पीरियड में, कौन से पीरियड में इन द वैदिक पीरियड, इन द वैदिक पीरियड, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे वर्ण सिस्टम, क्या है वर्ण सिस्टम, क्या क्या वर्ण था जाति क्या था, ओके देयर आर फोर टाइप ऑफ वर्ण, तरीक वेद डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू फॉलोइंग ग्रुप ऑन द बेसिक ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन को लेके काम को लेके वो वर्ण हो रहा था, तो चार मेन इम्पोर्टेंट वर्ण थे, क्या क्या थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्या क्या ब्राह्मण ब्राह्मीण ब्राह्मीण एक है, दो में क्षत्रिय है, क्या है क्षत्रिय, क्षत्रिय देन थार में थे वैश्य, देन फोर्थ में थे शूद्र,
ये चारों थे, कौन थे, चारों थे वर्ण सिस्टम में। तो पहले ब्राह्मण के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वर्ण सिस्टम तुम्हें ये लौटा जाएगा, थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। द परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, दे लुक आफ्टर द रिलीजियस स्पिरिचुअल मैटर एंड रिसाइटेड प्रेयर। तो जब ब्राह्मण का क्या काम था, यज्ञ वगैरह कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। ओके, दे लुक आफ्टर रिलीजियन एंड स्पिरिचुअल मैटर, जो रिलीजियन मैटर और स्पिरिचुअल मैटर को वो दिख रहे थे। रिलीजियन मैटर मैटर इसको वो तदारक कर रहे थे, कौन, ब्राह्मिन्स। और क्षत्रिय क्या कर रहे थे, क्षत्रिय कर रहे थे वार, वार वगैरह, युद्ध वगैरह वो कौन कर रहे थे, क्षत्रिय कर रहे थे। ओके, द किंग एंड द वॉरियर्स आर आल्सो नोन एज द क्षत्रिय। किंग को भी क्षत्रिय बोलते हैं, किंग क्योंकि वो क्या है, किंग बाद में, लेकिन पहले क्या था, एक योद्धा था, एक सोल्जर्स था, या नहीं सोल्जर्स था। एंड क्षत्रिय प्रोटेक्टेड कॉमन पीपल फ्रॉम द क्षति और हार, जो उसको हार, जो क्षति पहुंचाता था वो प्रोटेक्टर कर रहे थे, लोग बचा रहे थे, कौन, क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या है, बचाना। इसका काम क्या है, यज्ञ वगैरह कराना, प्रेयर करना, रिलीजन मैटर को दिखना। देन वैश्य, वैश्य क्या है, वैश्य फार्मर्स एंड क्राफ्टमैन थे। ये क्या कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे, फार्म करके राजा और दूसरे लोग को खाना जुगाते थे। ओके, क्या क्रॉप जुगा रहे थे, क्या सीड, बहुत सारे जुगा रहे थे। ये थे क्या, जनबीस और द वैश्य, जनबीस उसको भी बोलते हैं, जनबीस और द वैश्य और द राजस, क्षत्रिय को क्या बोलते हैं, राजस। ओके, देन लास्ट है शूद्र। द ऋग्वेद फ्रीक्वेंटली मेंशन द वर्ड दास। तो ऋग्वेद में एक फ्रीक्वेंटली मेंशन हुआ है एक वर्ड दास, क्या है, दास रख रहे थे, सेड टू बी द ओरिजिनल गॉड स्किन इन अमेरिका टू इंडिया, दे डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइस। तो ये क्या है, ये पूजा नहीं कर पा रहे थे, हमारे साथ जो क्या मिल नहीं पा रहे थे, पूरा जो समाज का नीचे नीचे वर्ग में ये शूद्र थे, हमारा सेवा कर रहे थे, क्या हमारा सेवा, हमारा पास रह के हमारा सेवा कर रहे थे, हमारा अभी जो धोबा और जो क्या है, जो क्या है, काटते हैं हमारा जो बाल को, ये सब क्या है, लास्ट हमारा सेवा करते है। ये तीनों, ये शूद्र क्या है, ये तीनों जाति का सेवा करता है, सर्विस देता है, तीनों जाति का जो क्या है, सेवा कौन करता है, शूद्र करता है। पता चल गया ब्राह्मण का काम, क्षत्रिय का काम क्या, वैश्य का काम क्या है, शूद्र का काम क्या क्या, पता चल गया या नहीं, पता चला, पता चला। ओके, देन पॉलिटिकल लाइफ पढ़ेंगे। ये गया सोशल लाइफ, क्या गया, सोशल लाइफ गया। पॉलिटिकल लाइफ, सो पॉलिटिकल लाइफ में एक थे क्या, राजा, किंग, फर्स्ट क्या थे, किंग, किंग हेड ऑफ द डायनेस्टी। ओके, द किंग ड्यूरिंग द ऋग्वेद पीरियड पीपल लिव इन अ ट्राइब्स नोन एज जन। और क्या है, पीपल कहां पे रह रहे थे, ट्राइब में, ट्राइब क्या है, जो आदिवासी लोग रहते थे, गांव, गांव में रहते थे, उसको जन, क्या उसको जन बोलते थे, क्या बोलते थे, जन। फॉर एग्जाम्पल पुरु जन, भारत जन, युद्ध जन, बहुत है, इस जन हर इट ऑन रूल्स हो जनरली नोन एज द राजा। सो हर जन का क्या होता है, एक राजा होता है, कौन है, राजा, कौन होते है, एक राजन होते है, सॉरी राजा नहीं, राजन। एक हर जन का क्या होता है, एक राजन होते है, उसको रूल करने के लिए, शासन करने के लिए। ही वाज चोजन बाय द पीपल असेंबली, द राजन वेयर ऑफन ब्रेव स्किलफुल वॉरियर। तो ये राजन कौन थे, एक स्ट्रॉन्ग योद्धा थे और एक वॉरियर्स थे, दे हैड डिड नॉट हैव इक्वल प्लेसेस। ओके, तो राजा सबसे हेड क्या था, राजा, जनों का कौन हेड था, राजन, राजन बोलते, राजा को क्या बोलते थे, राजन। ओके, तो ये सब है हमारा पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ में वार, बहुत सारे वार हो रहा था उस टाइप, जो आक्रमण कर रहा था उसके साथ वार कर रहे थे, राजा कर रहे थे उसका सैन्य के साथ। ओके, तो ये सब हमारा था, कहां पे था, कि पॉलिटिकल लाइफ में, कहां पे था, पॉलिटिकल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में। कहां पे था, पॉलिटिकल लाइफ में। ओके,
देन पढ़ेंगे ब्यूरियल साइट। नेक्स्ट क्या है? ब्यूरियल साइट्स। ब्यूरियल साइट्स मैगोलिथ इन ब्यूरियल साइट। मैगोलिथ इन ब्यूरियल साइट, एक जगह था मैगोलिथ। मैगोलिथ इन ब्यूरियल, ब्यूरियल का मतलब क्या? खोल के, जो खोल के डिगिंग करके जो जो चीज निकलता था उसको क्या ब्यूरियल साइट बोलते थे। क्या बोलते हैं? ब्यूरियल। उसमें एक आया था मैगोलिथ। सो द वार मैगोलिथ इज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वार्स, मेगा दो वार्स आया है, मेगा एंड लिथ। ओके, मेगा एंड लिथ, दो वार लिथ। लिथ मीन्स स्टोन। लिथ का मीन्स क्या है? लिथ, लिथ का मतलब मीन्स स्टोन्स। ओके, और क्या है? मागोली का मतलब क्या है कि बीच। मागोली का मतलब क्या है? बीच, सब बीच स्टोन। मागोली का मतलब क्या है? बीच स्टोन। इसका मतलब जो जो मिट्टी को खोल के बीच स्टोन निकलता था वो मागोली नाम से परिचय था वो जगह। ओ मागो बीच लिखी संबंध स्टोन, बीच स्टोन। ओके, देयर आल्सो इज मार्क बिलोस एट द नॉर्थ कास्ट कश्मीर। The practice of erecting megaliths began about Ikapa हुआ था 3000 year ago हुआ था। ओके, सर कॉमन फीचर ऑफ ब्यूरियल्स, ये ब्यूरियल्स का कॉमन फीचर क्या था? मैगोलिथ यूज टू मार्क द ब्यूरियल साइट। तो मैगोलिथ क्या कर रहे थे? ये ब्यूरियल साइट को मार्क कर रहे थे, मार्क कर रहे थे। द डेड वेयर ब्यूरीज इज द डिस्टिंक्टिव पोस्ट द कलर द ब्लैक एंड द रेड वार, सॉरी। So the dead were buried with distinctive posts that were called black and red. Well, tools and weapon of iron have been found in the burials. ये जो burials है और कौन कौन मिला? Tools मिला and weapons, iron का tools और weapons बहुत सारे मिला। ये क्या है? Common feature of burials. These are skeleton horse and horse equipment. Horse, जो horse का skeleton मिला था और horse में जितना चीज यूज हो रहा था वहां पे भी मिला। देन ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन्स एंड गोल्ड हैव आल्सो बीन फाउंड। वहां पे और क्या है? स्टोन का ऑर्नामेंट और गोल्ड का ऑर्नामेंट भी ये जो ब्यूरियल से मिला। ये है कॉमन फीचर ऑफ द ब्यूरियल्स, कॉमन फीचर ऑफ द ब्यूरियल्स। ओके, ये था तुम्हारा चैप्टर। ये था तुम्हारा चैप्टर। ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया। और थोड़ा थोड़ा जो भी है क्या है ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, सो दैट चैप्टर इज कम्प्लीटेड, सो रीड द ऑल द चैप्टर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू।